नॉर्मली मैं ये बात नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। राजशेखर जी, दिलीप कुमार जी, हारे छुट्टी लेके जी को भारत रत्न मिला है। मेरे तो आदर्श है वो, लेकिन भिखारी ठाकुर भी मेरे आदर्श है। भिखारी ठाकुर को भारत रत्न तो छोड़िए, पद्मश्री पद्म भूषण जैसे सम्मान से भी नवाजा। या तो भोजपुरी को मान्यता दिया जाए संविधान में, या फिर पूर्वांचल की मांग जरूर होगी, मैं उसको सपोर्ट कर नहीं एकदम लड़ूंगी, लेकिन किस हिसाब से लड़ूंगी। मैं जैसे मैं बोली कि मैं कला और संस्कृति के लिए ही आई हूँ। आसाम में मैंने बहुत सारी बोलियों को लुप्त होते हुए देखा है, खासकर ट्राइबल बोलियों को। मैं काम करी उन पे और मैं चाहती हूँ अभी मैं अकेले मैं 5% काम करके जाऊँगी, और अगर एक सरकार और एक पार्टी का मेरे साथ शक्ति होगा तो मैं 50% काम कर सकती हूँ।